नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लालगंज के पतुलकी में लगा चौपाल, जनप्रतिनिधियों ने गिनाई उपलब्धियां। मिर्जापुर जनपद के लालगंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पतुलकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का बृहद चौपाल लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र गिरी महाराज जी का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। भारत सरकार की गारंटी वाली गाड़ी का भी ग्राम प्रधान गणेश शंकर दुबे, भाजपा मंडल अध्यक्ष लालगंज, विधायक प्रतिनिधि आदि सम्मानित लोगों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का चौपाल के माध्यम से स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख लालगंज नरेंद्र गिरी महाराज, विशिष्ट अतिथि विधायक छानबे प्रतिनिधि रमाकांत पटेल द्वारा मां सरस्वती के तस्वीर पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान गणेश शंकर दुबे के द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि सहित सभी मंचासीन पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि द्वारा 6 माह के बच्चे को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया गया। तत्पश्चात प्राथमिक विद्यालय पतुलकी के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। विधायक प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और मंडल उपाध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। सभी मंचासीन पदाधिकारियों द्वारा सभा में उपस्थित सभी जनता जनार्दन को विस्तृत जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर लाभार्थी है तो उसको प्रत्येक योजनाओं का लाभ दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है और प्रत्येक गांव में लाभार्थियों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ इस प्रकार है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर हर ग्राम पंचायत में भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। सत्यप्रकाश तिवारी, शुभम केसरी, अखिलेश बिंद, लक्ष्मण मौर, पारसनाथ, राम नरेश, हाफिज अहमद, मूलचंद पांडे, राकेश पटेल, रईस अहमद, संजय सिंह, प्रधान प्रतिनिधि अवनीश दुबे, रोशन दुबे, शीला सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा के साथ धन्यवाद जी। मानवर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 नवंबर से लगातार भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो चौपाल लग रहा है ये सार्थक हो रहा है? बिल्कुल तेज बोला साहब, बिल्कुल। हर जगह चाहे जहाँ भी भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चौपाल लगा हुआ है, आप देखेंगे स्टॉलों पर जितने भी पात्र लाभार्थी छोटे हैं लगभग वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो इस यात्रा से आम जनमानस को अच्छा रिस्पांस। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी एक मांग है सर, सिरसी डैम को बाणसागर से जोड़ने की, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? उस पर हमारी सांसद महोदया इस पर लगातार लगी हुई है, संज्ञान में आया है और वो अपनी हिसाब से लगी हुई है। क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले हो पाएगा? अब ये तो हम नहीं कह सकते, पहले राष्ट्रीय स्तर के आप पार्टी के नेता हैं, पर काम हो रहा है। भारत संकल्प यात्रा है पतुलकी में, कार्यक्रम के बारे में बताएं और इसकी विशेषता। भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागृत करना और भारत तभी विकसित होगा जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझेगा, चाहे वो कोई नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, या जो जनता भी है राष्ट्र की। जब सब अपने कर्तव्यों को समझेंगे तभी देश विकसित होगा, इसी जन जागृति हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि लोग अधिकार तो अपना समझते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं समझते। अधिकार के साथ साथ अगर लोग अपना कर्तव्य समझने लगेंगे तो इससे पहले भी देश विकसित हो जाएगा।